हेलो फ्रेंड्स, आज ही हमारे DES का सेकंड वीडियो है। लास्ट की वीडियो में हमने जाना था कि DES में जो हम इनिशियल की लेके चलते हैं 64 बिट की, उसको किस तरह से 56 बिट में हम उसको कंप्रेस करते हैं और फिर फर्दर उस 56 बिट को कैसे 48 बिट में कंप्रेस किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो 48 बिट की होती है और 64 बिट का जो डेटा होता है वो राउंड को जो हम पास आउट कराते हैं एज एन इनपुट, राउंड उन पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो DES में राउंड्स होते हैं वो एक फिस्टल सीफर की तरह एक्ट करता है। टोटल जो DES में राउंड्स होते हैं वो 16 राउंड्स होते हैं और हर राउंड एक फिस्टल सीफर की तरह ही वर्क करता है। तो चलिए अब हम इस राउंड की प्रोसेसिंग को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो राउंड्स होते हैं DES में वो एक फिस्टल सीफर की तरह वर्क करते हैं। तो यहाँ पर देखें, हमने एक फिस्टल सिफर का आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। फिस्टल सिफर में क्या होता है कि जो 64 बिट का जो डेटा होता है, मतलब ये जो 64 बिट का जो हम डेटा राउंड राउंड वन को पास आउट कराते हैं एज एन इनपुट देते हैं, इस 64 बिट को दो पार्ट में डिवाइड करता है फिस्टल सिफर, जिसको हम लेफ्ट पार्ट बोलते हैं और राइट पार्ट बोलते हैं। और हर पार्ट में 32 बिट डेटा होता है, मतलब लेफ्ट पार्ट में भी 32 बिट डेटा और राइट पार्ट में भी 32 बिट डेटा। अब आगे होता क्या है, एक फंक्शन होता है फिस्टल सिफर के अंदर, उस फंक्शन में राइट में जो 32 बिट का जो डेटा है उसको हम एज एन इनपुट पास कराते हैं और 48 बिट की जो की हमारे पास थी, यानी कि जो 48 बिट की जो की हमने 64 बिट को 48 बिट में कन्वर्ट किया था, उसको यहाँ पर एज एन इनपुट पास कराते हैं। मतलब 32 बिट का डेटा और 48 बिट की को हम फंक्शन को एज एन इनपुट पास कराते हैं और ये जो फंक्शन आउटपुट देता है, इस फंक्शन का जो आउटपुट आता है उस आउटपुट को और यहाँ पर जो 32 बिट का जो डेटा है लेफ्ट पार्ट में, इन दोनों को लेकर उन पर एग्जोर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो इस एग्जोर ऑपरेशन का जो आउटपुट आता है वो नेक्स्ट राउंड के लिए एज एन राइट पार्ट की तरह वर्क करता है। मतलब इस एग्जोर ऑपरेशन का जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्या बन जाएगा, राइट पार्ट बन जाएगा। और जो प्रीवियस यानी कि जो फर्स्ट वाला राउंड था उसका जो राइट वाला पार्ट है, मतलब राइट पार्ट में जो 32 बिट डेटा है उसको बिना चेंज किए बिना टच किए हम ऐसे ही पास आउट करा देते हैं और ये नेक्स्ट राउंड के लिए, जो नेक्स्ट राउंड होगी उसके लिए लेफ्ट पार्ट की तरह काम करेगा। और नेक्स्ट राउंड में भी यही प्रोसेसिंग होगी कि जो राइट में जो 32 बिट का जो डेटा है और 48 बिट की जो की है वो फंक्शन से पास आउट कराई जाएगी और फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो लेफ्ट पार्ट का जो 32 बिट का डेटा है उसको और फंक्शन के आउटपुट को लेकर एग्जोर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। और एग्जोर ऑपरेशन करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्या होगा, राइट पार्ट बन जाएगा। और ये जो प्रीवियस यानी कि जो सेकेंड वाला राउंड है उसमें जो 32 बिट का जो डेटा है राइट साइड में उसको बिना चेंज किए आगे पास किया जाएगा और वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट की तरह वर्क करेगा। एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ये भी है कि हर राउंड के लिए जो हम की यूज कर रहे हैं 48 बिट की, ये डिफरेंट होगी। मतलब अगर हम राउंड वन के लिए K1 की यूज कर रहे हैं तो राउंड टू के लिए हम क्या यूज करेंगे, K2 की यूज करेंगे, मतलब डिफरेंट की यूज की जाएगी। अब फ्रेंड, जो यहाँ पर मेन फंक्शन हो रहा है, मतलब मेन प्रोसेसिंग हो रही है वो इस फंक्शन में हो रहा है। मतलब ये फंक्शन क्या कर रहा है, 32 बिट का डेटा और 48 बिट की को एज एन इनपुट लेता है और उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आउटपुट देता है। तो चलिए इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को समझते हैं। वर्किंग ऑफ फंक्शन, मतलब इस फंक्शन में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसको समझते हैं। तो ये फंक्शन क्या करता है, 32 बिट का जो डेटा है, जो हमने यहाँ पर राइट पार्ट में जो 32 बिट का जो डेटा हमने इसको एज एन इनपुट दिया था उसको लेकर, ठीक है, उसको एक्सपेंशन बॉक्स से पास आउट कराता है। और एक्सपेंशन बॉक्स क्या करता है, 32 बिट को 48 बिट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से जो फंक्शन थी हमारे पास, यानी कि इस फंक्शन का जो आउटपुट आता, ये फंक्शन जो होता है 32 बिट को 48 बिट में कन्वर्ट कर देता है और इस 48 बिट को लेकर इस 48 बिट की के साथ हम एग्जोर ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। तो अब हमें समझ में आया कि 48 बिट हमने क्यों ली थी, क्योंकि हमें एग्जोर ऑपरेशन परफॉर्म कराना था और एग्जोर ऑपरेशन परफॉर्म तभी पॉसिबल हो सकता है जब बिट और की लेंथ सेम हो। तो यहाँ पर हमारे पास
की लेंथ थी 48 बिट, और 32 बिट को एक्सपेंशन बॉक्स ने क्या किया, 48 बिट में एक्सपेंड कर दिया, जिससे हमारे पास बिट और की, डेटा और की लेंथ सेम हो गई, और उस पर हमने एक्सओआर ऑपरेशन परफॉर्म कराया। एक्सओआर ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद जो उसका आउटपुट आया वो भी कितना था, 48 बिट का। अब इस 48 बिट को हम क्या करेंगे, एस बॉक्स से पास कराएंगे। अब एस बॉक्स में जो टोटल बॉक्सेज होती हैं वो 8 बॉक्स होती है, मतलब हर बॉक्स के अंदर कितनी, यहाँ से 48 बिट से हर बॉक्स के अंदर 6 बिट जाएंगी, और जो आउटपुट आएगी, जो इस एस बॉक्स का जो आउटपुट होगा वो 32 बिट होगा। मतलब हर बिट के अंदर कितना आउटपुट जाएगा, सॉरी इनपुट जाएगा 6 बिट, और जो आउटपुट आएगा टोटल मतलब एस बॉक्स का वो 32 बिट होगा, और इस 32 बिट को परम्यूटेशन बॉक्स से पास आउट कराया जाएगा, और इस परम्यूटेशन बॉक्स का जो आउटपुट होगा वो भी 32 बिट का होगा। तो चलिए ये तो हमने समझ लिया कि फंक्शन के अंदर होता क्या है। अब हम ये समझते हैं कि 32 बिट को हम किस तरह से 48 बिट में एक्सपेंड करते हैं, किस तरह से 32 बिट को हम 48 बिट में कन्वर्ट करते हैं। हाउ 32 बिट्स आर एक्सपेंडेड इनटू 48 बिट। 32 बिट डेटा विल बी फॉर्म ऑफ 1 and 0, बट फॉर एक्सप्लेनेशन वी टेक एग्जाम्पल विद टेक्स्ट। मतलब ये जो हम बिट लेते हैं वो 1 और 0 के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर हम इस इनकी प्रोसेसिंग को समझने के लिए, हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं वो हम टेक्स्ट के फॉर्म में लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, फोकस ऑन योर स्टडी डोंट वेस्ट टाइम यू। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर टोटल 8 बॉक्सेस होती है, मतलब इस एक्सपेंशन बॉक्स में टोटल कितनी बॉक्स होती है, इस एक्सपेंशन बॉक्स में टोटल 8 बॉक्स होती है, और हर बॉक्स के अंदर कितनी बिट आती है, 4 बिट आती है। हर बिट के अंदर कितनी बिट आती है, 4 बिट, यानी कि ये जो 32 बिट है, इस 32 बिट में से एवरी ब्लॉक कंटेन 4 बिट, तो हर बिट ब्लॉक के अंदर 4 बिट होंगी, और इस तरह से हमारे पास 32 बिट थी। अब हमें करना क्या है कि हर ब्लॉक के अंदर जिनमें 4 बिट थी उनमें उनको इम्प्रूव करके, उनको इंक्रीज करके हमें कितनी बिट कर देनी है, उनमें 6 बिट करनी है। उसको कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है इसको अभी हम एज इट इज ही रहने देते हैं, अभी हम सेकंड वाला ब्लॉक जो है जिसमें एस ओ एन वाई, यानी कि ये जो 4 बिट है इसको लेके चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है इसको हम अभी एज इट इज लेके चलेंगे, अभी हम सेकंड वाले ब्लॉक पर फोकस करेंगे। तो इस सेकंड वाले ब्लॉक के जो लेफ्ट में जो ब्लॉक है और इसका जो राइट मोस्ट बिट है, राइट मोस्ट बिट यहाँ पर क्या है, यू, तो इस यू को हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे एस के पास। तो यहाँ पर यू, यहाँ से जो ये यू है इसको हम यहाँ पर ले लेंगे यहाँ पर, और इस ब्लॉक यानी कि जो सेकंड वाले ब्लॉक का जो राइट ब्लॉक है, राइट ब्लॉक ये वाला, इसके अंदर जो लेफ्ट मोस्ट बिट है यानी कि ओ, इस ओ को हम यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरह से इस ब्लॉक के अंदर कितनी बिट हो जाएंगी, 6 बिट हो जाएंगी। इसी तरह इस ब्लॉक को भी हम लेंगे, तो देखिए इस ब्लॉक के राइट में ब्लॉक क्या है, इस ब्लॉक के राइट में जो ब्लॉक है इसको हम यहाँ पर इस तरह से लेंगे, इस ब्लॉक के जो लेफ्ट में ब्लॉक है, लेफ्ट में ब्लॉक क्या है, यहाँ पर देखिए इसके लेफ्ट में ब्लॉक क्या है, ये वाला, और इसके अंदर जो राइट मोस्ट जो बिट है यहाँ पर वाई, उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, और इस ब्लॉक के जो लेफ्ट में जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो राइट में जो ब्लॉक है और इसका जो लेफ्ट मोस्ट बिट है यानी कि टी, इसको टी को हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ से ये जो टी है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास इस ब्लॉक के अंदर भी क्या आ जाएंगी, 6 बिट आ जाएंगी। तो हर ब्लॉक के अंदर हमें क्या करना है, 6 बिट को एडजस्ट करना है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि फर्स्ट वाले ब्लॉक और लास्ट वाले ब्लॉक को हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे। तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है, जब हम इसमें एडजस्ट करेंगे तो जो इसके राइट में जो ब्लॉक है, राइट में ब्लॉक ये है, इसका जो लेफ्ट मोस्ट होगा बिट, वो लेफ्ट मोस्ट यहाँ पर कितना है, एस, तो एस यहाँ पर आ जाएगा। तो एस यहाँ पर आ गया, अब इसके लेफ्ट में तो कोई ब्लॉक नहीं है, तो इस सिचुएशन में जो लेफ्ट में ब्लॉक नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला ब्लॉक है उसको हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट में यहाँ पर लिख लेंगे। तो
तो फ्रेंड जो लास्ट में ब्लॉक था उसको हम क्या करेंगे, इसके साइड में यहाँ पर लिख लेंगे, और इसका जो राइट मोस्ट बिट होगा, तो राइट मोस्ट बिट कितना है यहाँ, क्या है, यू, तो इस यू को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस तरह से इस ब्लॉक में, यानी कि फर्स्ट वाले ब्लॉक में भी कितने बिट हो जाएंगे, 6 बिट हो जाएंगे। और जो लास्ट में बिट है, लास्ट में जो ब्लॉक है यहाँ पर, इसमें हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे, इसको देखिए, इसके जो लेफ्ट में ब्लॉक है, लेफ्ट में ब्लॉक का जो राइट मोस्ट बिट है उसको हम इसमें ले लेंगे। तो ये जो लास्ट वाला ब्लॉक है, इसके राइट में जो ब्लॉक है यहाँ पर, तो इसका राइट मोस्ट, लेफ्ट में जो ब्लॉक है इसका राइट मोस्ट बिट क्या है, एम। तो इस एम को हम यहाँ पर ले लेंगे, और इसके राइट में तो कोई ब्लॉक नहीं है, तो इस सिचुएशन में जो लास्ट वाला ब्लॉक है इसके राइट में हम यहाँ से जो लेफ्ट स्टार्टिंग ब्लॉक है उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, तो इसका जो राइट में, ये इसके राइट में आ गया, तो इसका जो लेफ्ट मोस्ट बिट है यहाँ पर एफ, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस तरह से हर ब्लॉक के अंदर जो बिट होंगी वो 6 बिट होंगी, और टोटल 8 ब्लॉक होगा, टोटल 8 ब्लॉक होगा और 6 बिट होंगी। तो जो टोटल हमारा आउटपुट आएगा यहाँ से, यानी कि जो एक्सपेंशन बॉक्स का जो आउटपुट आएगा यहाँ से, इस तरह से 48 बिट आएगा। तो इनिशियली ईच 8 ब्लॉक हैड 4 बिट, और इस तरह से जो हमारे पास टोटल बिट था वो 32 बिट था। नाउ दीज एवरी 8 ब्लॉक्स हैव 6 बिट, दैट्स वाई 48 बिट। तो अब प्रोसीज करने के बाद जो हर ब्लॉक के पास जो बिट होंगे वो 6 बिट होगा, और इस तरह से क्या होगा, हमारे पास 48 बिट होंगी। नाउ दीज 48 बिट विल बी एग्जोर विद 48 बिट कीज। अब इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इन 48 बिट को जब एक्सपेंशन बॉक्स का आउटपुट आया, इसको 48 बिट को एग्जोर ऑपरेशन परफॉर्म कराया जाएगा 48 बिट कीज के साथ, एंड सेंट टू एस बॉक्स। और जो इसका आउटपुट आएगा एग्जोर ऑपरेशन करवाने के बाद, उसको हम क्या करेंगे, एस बॉक्स के अंदर एज एन इनपुट पास करा देंगे। अब हम ये देखते हैं कि 32 बिट को तो हमने 48 बिट में किस तरह से कन्वर्ट हुआ, ये तो हमने सीख लिया है। अब इस 48 बिट को जब हम एस बॉक्स के अंदर पास करा रहे थे, तो हमारे पास जो डेटा था वो 48 बिट का था, लेकिन जो आउटपुट आया वो 32 बिट का आया। तो ये 32 बिट का आउटपुट किस तरह से आया, अब हम इसको समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो एस बॉक्स होता है इसके अंदर टोटल 8 ब्लॉक्स होती है, और हर ब्लॉक के अंदर इन 48 बिट में से, हर ब्लॉक के अंदर 48 बिट से 6 बिट एज एन इनपुट जाती है, और हर ब्लॉक का जो आउटपुट होता है वो 4 बिट का होता है, मतलब 6 बिट इनपुट लेता है हर ब्लॉक। ये सपोज कीजिए यहाँ पर हमारा S1 ब्लॉक है, तो S1 ब्लॉक के अंदर इनपुट है 6 बिट का, और जो आउटपुट आया इसका 4 बिट का है, और इस तरह से हमारे पास जो आउटपुट आया टोटल 32 बिट का आया। अभी हम समझते हैं कि, और दीज 32 बिट्स विल बी इनपुट परम्यूटेशन बॉक्स, मतलब ये जो 32 बिट होंगे ये परम्यूटेशन बॉक्स के लिए इनपुट की तरह काम करता है। तो अब हमें ये देखना है कि किस तरह से 48 बिट को हमने 32 बिट में कन्वर्ट किया। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले ही समझा था कि जो डेटा होता है वो 1 और 0 के फॉर्म में होता है, तो हम सपोज कीजिए कि जो S1 ब्लॉक है हमारे पास, उसके अंदर जो 6 बिट है, मतलब S1 ब्लॉक के अंदर जो 6 बिट आई वो 0 0 1 0 1 1 के फॉर्म में आई, मतलब ये हमारे फर्स्ट ब्लॉक के अंदर जो इनपुट है, सॉरी जो डेटा है वो ये है। इसमें जो फर्स्ट वाला ब्लॉक होता है, ये जो फर्स्ट वाला जो बिट होता है और लास्ट वाला बिट होता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं रो को, और जो रिमेनिंग बिट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम को। तो जो यहाँ पर 0 और 1, ये जो 0 और 1 है, फर्स्ट और लास्ट वाला बिट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को। जब हम इसको क्या करेंगे,